किडनीज को स्वस्थ रखता है, प्रोस्टेट को हेल्दी रखता है, पेशाब में इन्फेक्शन होने से रोकता है। बिना किसी झिझक के शर्म के आप लोग मैसेज करिए, मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ। माताएं बहनें हों चाहे मेरे भाई पुरुष हों, 8 million पीपल्स विजिट देयर डॉक्टर्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हर साल 8 million लोग, जिनमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, हॉस्पिटल जाते हैं अपने डॉक्टर के पास। पता है किस लिए? पेशाब से जुड़ी समस्याओं को ठीक करवाने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि पेशाब से जुड़ी समस्याएं कितनी तेजी से फैलना शुरू हो चुकी है। चाहे आप बच्चों की बात कर लीजिए, चाहे बुजुर्गों की, चाहे यंग अडल्ट्स की आप लोग बात कर लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुकी है। और बार बार पेशाब आना इनमें से एक बहुत ही कॉमन समस्या है, जो मेरा आज का वीडियो का टॉपिक है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पुरुषों की बात की जाए तो इसके बहुत से रीजन होते हैं। हो सकता है पुरुष भाइयों के अंदर प्रोस्टेट का साइज बढ़ना शुरू हो चुका है, इसको BPH बोलते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। मतलब प्रोस्टेट का साइज होता है 20 ग्राम, कितना होता है 20 ग्राम्स ओनली। तो जब आपका प्रोस्टेट का साइज 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50, 60, 70, 80, 90 या 100 ग्राम तक हो जाएगा, यानी कि प्रोस्टेट का भार नॉर्मल है 20 ग्राम, इतना सा प्रोस्टेट है लेकिन अब हो गया इतना बड़ा, ठीक है, तो आपको पेशाब से जुड़ी समस्याएं होंगी। या तो पेशाब कम आएगा, या तो आपको रात को उसमें पेशाब बहुत ही ज्यादा, इतना ज्यादा आएगा ना, आप लोग रात को सो नहीं पाएंगे। रात को 30 या 40 बार आप भाइयों को बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। और एक बात और इसका आप खास ख्याल रखना आप लोगों को जरूरी होता है, जिन भी भाइयों को प्रोस्टेट की समस्या की, हाँ प्रोस्टेट जो है, अगर इसका साइज कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है ना, आप इसको अनट्रीटेबल छोड़ देते हैं। मतलब आप भाइयों ने प्रोस्टेट का इलाज आधा अधूरा नहीं करवाना है। चाहे आप किसी भी तरीके से प्रोस्टेट को ठीक करो, घरेलू उपाय करो, या एलोपैथिक मेडिसिन लीजिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए, किसी भी इलाज को आधा अधूरा आप लोगों ने नहीं छोड़ना है, ठीक है। कोई भी इलाज करो, किसी भी पैथी से इलाज करो, लेकिन पूरा जब तक आपका डॉक्टर आपको बोले या वैद्य आपको बोले, तब तक आप लोगों को उस इलाज को बंद नहीं करना, नहीं तो आपको बहुत भारी नुकसान इसका उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप आधा अधूरा प्रोस्टेट के इलाज को छोड़ते हैं तो फिर ये प्रोस्टेट कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। समझा गई बात आप लोगों को? इसलिए एक तो रीजन ये हो गया बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होने के पुरुष भाइयों के अंदर। इसके अलावा आप पुरुष भाइयों में ये हो सकता है आपको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, यानी कि पेशाब की नाली में हो सकता है सिकुड़न हो। लेकिन इसमें अमूमन ये देखा गया है कि बंदे को बार बार दिन में पेशाब करने के लिए जाना तो पड़ता है, लेकिन पेशाब बूंद बूंद करके ही आता है, यानी कि पेशाब फ्लो से पास नहीं होता है। ये तब भी तो देखिए, बूंद बूंद करके पेशाब आएगा तभी तो पुरुष भाइयों को पूरा दिन फिर पेशाब करने के लिए दौड़ लगानी पड़ती है। क्योंकि एक बार में पेशाब पूरा बाहर निकला ही नहीं, तो ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि पेशाब की थैली में से अगर पेशाब पूरा बाहर नहीं निकल रहा है एक बार में, तो पूरा दिन फिर बूंद बूंद करके बाहर निकलेगा, तो बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक जो मुख्य कारण है वो होता है UTI इन्फेक्शंस, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस। बैक्टीरिया की वजह से आपके यूरिन के अंदर, आपके पेशाब के अंदर या यूरिथ्रा के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया और उसने आपके पूरे यूरिनरी सिस्टम को उसने अफेक्ट कर दिया, फिर प्रॉब्लम्स होंगी। देखिए किडनीज का काम सिर्फ यहीं तक होता है यूरिन को बनाना, बाकी इसके आगे पूरा काम यूरिथ्रा का होता है, यूरिटर्स का होता है, यूरिनरी ब्लैडर का होता है, ठीक है। और UTI इन्फेक्शन को ठीक कैसे करते हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है 24 मिनट की, उसको जाके आप लोग देख लो, समझ। अब बात अगर ये करूं, एक रेयर रीजन, एक बहुत ही, ये रीजन होता है, हो सकता है लेकिन बहुत ही रेयर होता है, कॉमन नहीं है, 100 में से 1-2% ही चांस होते हैं। इसका नाम है ओवर एक्टिंग यूरिनरी ब्लैडर। मतलब आपके यूरिनरी ब्लैडर में, पेशाब की थैली में बार बार कॉन्ट्रेक्शन, मतलब पेशाब की किडनी से पेशाब आपकी पेशाब की थैली में थोड़ा थोड़ा आएगा
और जब भी वो थोड़ा थोड़ा पेशाब आपकी पेशाब की थैली के अंदर आता रहेगा किडनी के द्वारा, ठीक है, तो आपके ब्रेन को आपका यूरिनरी ब्लैडर बार बार सिग्नल भेजता है। जब भी थोड़ा सा यूरिन आया ब्रेन को आपको सिग्नल भेज देगा आपकी यूरिनरी ब्लैडर, आपको फिर बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। और इसका इलाज कैसे किया जाए, देखिए और भी इसके अलावा बहुत से कारण होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये, लेकिन ये जो कारण बताया ये कॉमन है, ये जो रीज़न है ये बहुत ही कॉमन है आजकल। और इनको कैसे ठीक करना है, चाहे इनमें से पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या हो, चाहे फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की समस्या हो, चाहे प्रोस्टेट हो, चाहे आपको यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर की समस्या हो, पेशाब की नाली में सिकुड़न हो, वहाँ पर घाव हो गया, या पेशाब में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हो गए, मैं सब कुछ आगे वीडियो में डिटेल में बताऊँगा कैसे आप इनको 2 या 3 दिन के अंदर ही ठीक कर सकते हैं। समझा के बाद वीडियो को ध्यान से देखो, समझ। अब अगर बात करूँ माताओं बहनों के बारे में, देखिए माताओं बहन में यूटीआई इन्फेक्शन होने के कोई ऐसे ज़्यादा कारण होते ही नहीं है। तो मैंने बताया पुरुष भाइयों के अंदर, तो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया पुरुष भाइयों के अंदर कौन कौन से कारण होते हैं बार बार पेशाब आने के, और माताओं बहनों के अंदर कोई ऐसा कारण स्पेसिफिक नहीं होता है कि हाँ बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन माताओं बहनों के अंदर एक बीमारी बहुत ही कॉमन मैंने देखी पाई जा रही है, इस यूरिन इनकॉन्टिनेंस, और इस समस्या में ही महिलाओं को बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, इस समस्या में आपको माताओं बहनों को प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, इस बात को आप जरा ध्यान से समझिएगा, एक डायरी ले लीजिए, वहाँ पर जैसा जैसा मैं बताऊँगा लिखते जाइएगा, जो मैं जरूरी जरूरी पॉइंट्स बताऊँगा आप लोग माताएँ बहनें कॉपी पे लिखते जाइए, ठीक है, डायरी पे नोट कर लीजिएगा। अगर माताओं बहनों को बार बार यूरिन आता है, स्पेशली कब, मतलब जब आप जोर जोर से हंसती हैं या जोर जोर से आपको खांसी आती है, समझ गए बात को, जरा माताएं बहनें ध्यान से समझना, या आप लोग कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत ही हैवी और आपको एकाएक यूरिन निकल जाता है, पास हो जाता है, तो आप माताओं बहनों को थोड़ा सा ना घबराना नहीं है, अलर्ट होना है, बस सचेत होना, सतर्क होना है, सावधानी बरतनी। मैं बताता हूँ क्या, आप माताओं बहनों को उसी समय से जितनी भी गर्म तरह की, गर्म प्रकृति की चीज़ें होती हैं ना, गर्म प्रकृति की, उनको आप लोगों ने खाना बिल्कुल ही बंद कर देना है। समझा की बात आप लोगों को, ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है। ठंडी चीज़ों में अगर मैं आप माताओं बहनों को बात करूँ, तो आप माताएं बहनें शीशम के पत्ते प्रयोग कर सकती हैं, शीशम के लीव्स, क्योंकि शीशम के पत्ते बहुत ठंडे होते हैं, तो ये आपके यूरिनरी ट्रैक्ट को ठंडक प्रोवाइड करेंगे, जिस वजह से जो गर्मी है, जो पित्त है, वो शांत हो जाएगा। और माताओं बहनों के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, सबसे कॉमन रीज़न पेशाब बार बार आने का सिर्फ यही देखा मैंने, बहुत से ऐसे मैंने केस सुने, उनमें एक चीज़ मैंने कॉमन देखी, माताएँ बहनें फास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा खाती हैं, यानी कि इडली जैसे मोमोज, चाउमीन, बर्गर, ये सब इतनी ज़्यादा मात्रा में, मतलब मैदा इतना ज़्यादा खाते हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि मैदे में फैट होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और मैदे में फैट होता है, जिस वजह से वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है हमारा लीवर, फिर माताओं बहनों को ये समस्या होती है। इसलिए माताओं बहनों को बिल्कुल सुपाच्य हल्का भोजन करना है, ठंडा भोजन करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप फ्रिज में भोजन रख दे, जैसे आप लोग इसका उल्टा है मतलब ले लो, फ्रिज में रखा हुआ भोजन नहीं करना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ भोजन करिए, सिंपल सादा भोजन करिए, शीशम के पत्ते खाना शुरू करिए, आपको इस समस्या में आराम मिलेगा बहुत ही ज़्यादा। और लगे हाथ में ये भी बता दूं कि शीशम के जो पत्ते होते हैं ना, माताओं बहनों को अगर पीरियड्स के दिनों में ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा आती है ना, या इसके अलावा वाइट डिस्चार्ज भी एक समस्या होती है माताओं बहन करते, इसके ऊपर मैं कभी और वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो आप लोग शीशम के पत्ते ज़रूर इस्तेमाल करिएगा माताएँ बहनें, आप लोगों को बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मैं बात कर रहा था माताओं बहनों के अंदर बार बार पेशाब आने की समस्या का जो कॉमन रीजन है वो है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। शीशम के पत्ते आप माताएं बहनें खाना आज से ही शुरू कर दीजिए दिन में जब मर्जी, और साथ में गोबरू का काढ़ा और साथ में चंद्र प्रभावटी। ये माताओं बहनों को मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, देखिए आप माताएं बहनें भी वीडियो को पूरा नहीं देखती हैं, इसलिए आप लोगों को आधा अधूरा ज्ञान मिलता है, आप कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमेशा आप लोगों को सलाह देता हूँ कि वीडियो को पूरा देखा करिए, या तो अगर इंटरेस्ट नहीं है
तो मत देखा करें, क्योंकि फिर आपका भी टाइम बर्बाद होने से बचेगा और मेरा भी टाइम बर्बाद होने से बचेगा। समझा गई ये बात आप माताओं बहनों को? ठीक है। अच्छा, पुरुषों की अब मैं बात कर रहा था, मैंने माताओं बहन को घरेलू उपाय बता दिया, साथ में दवाई भी बता दी। ठीक है। इसके अलावा अब बात करता हूँ पुरुष भाइयों के अंदर। पुरुष भाइयों के अंदर अगर प्रोस्टेट की समस्या है, प्रोस्टेट की वजह से पेशाब बार बार आ रहा है, पेशाब कम आ रहा है, तो आप भाइयों को गोखरू का काढ़ा 2 ग्राम, मतलब 2 ग्राम गोखरू लेना है, गोखरू की जो पाउडर है वो लेना है, और 2 ग्राम ही आप लोगों ने काले तिल लेने हैं, दोनों को पानी में उबालना, उसका काढ़ा पीना है आप पुरुष भाइयों ने। प्रोस्टेट की समस्या में आपको आराम मिलेगा, प्रोस्टेट का साइज भी इससे कम होगा। दूसरा, पेशाब बार बार आता है नॉर्मल आएगा, अगर कम आता है तो नॉर्मल आ जाएगा। कहने की बात है पेशाब से जुड़ी जितनी भी समस्या है सारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने में गोखरू बहुत ही एक रामबाण औषधि के रूप में सालों से, आज से नहीं, अभी से नहीं, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हमें तो आज पता चला, लेकिन पुराने समय से हमारे दादा दादी परदादा परदादी परनानी परनाना सारे प्रयोग करते थे भैया गोखरू। हम तो गाँव में रहते हैं, हम तो आज भी प्रयोग करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ शहर में बसे हुए लोगों को। गोखरू का काढ़ा किडनीज के लिए यानी पूरे यूरिनरी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा एक रामबाण तरीके से काम करता है, किडनीज को स्वस्थ रखता है, प्रोस्टेट को हेल्दी रखता है, पेशाब में इन्फेक्शन होने से रुकता है गोखरू का काढ़ा। तो इसको आप हल्के में मत लीजिए गोखरू को भैया। और अगर परहेज की मैं बात करूँ तो परहेज का आप लोगों को मैंने बता दिया है, दूध से बनी चीज़ें पुरुष भाइयों ने नहीं लेनी है, गर्म प्रकृति की चीज़ें नहीं खानी है, और फास्ट फूड रिफाइंड प्रोडक्ट नहीं खाना है, बस सिंपल घर की बनी दाल रोटी खानी है 2 से 3 में, ठीक है। और दूसरी बात, अगर पुरुष भाइयों में किसी और भी रीजन से, जैसे मैंने बताया ओवर एक्टिंग यूरिनरी ब्लैडर की समस्या, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर का बार बार कॉन्ट्रैक्शन होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, तो उस समस्या में भी ये गोखरू और काले तिल का काढ़ा आप लोगों को असरदार सिद्ध होगा, आप लोग खुद रिजल्ट देख के हैरान होंगे। थोड़ा सा अगर मैं पुरुष भाइयों के बारे में और बात करूँ और थोड़ा डिटेल में जाने की कोशिश करूँ, तो अगर आप पुरुष भाइयों को एक कॉमन समस्या है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर, मतलब आपकी जो पेशाब की नाली है उसमें सिकुड़न आती है, ठीक है, उसमें सिकुड़न आ गई, तो इस कंडीशन में आप पुरुष भाइयों को पेशाब बूंद बूंद करके बाहर आएगा, तो आप भाइयों को ना एक घरेलू उपाय करना है जो बहुत ही ज़बरदस्त है और जिसके रिजल्ट मैंने काफ़ी हद तक अच्छे देखे। घरेलू उपाय है, कोई आपको साइड इफेक्ट नुकसान नहीं होगा, आपका पैसा भी बचेगा। आप पुरुष भाइयों ने लौकी के जूस का खाली पेट सेवन करना है, में थोड़े से काली मिर्च 2-3-4-5 पत्ते तुलसी के डाले, उसको आप लोगों ने खाली पेट पीना है लौकी के जूस। देखिए लौकी का जूस होता है ठंडा, इसलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि पेशाब से जुड़ी कोई भी समस्या हो, प्रोस्टेट हो, कोई और भी हो, तो ये लौकी का जूस ना ठंडा होता है। और मेनली जो पेशाब से जुड़ी समस्या होती है इनका एक मुख्य कारण होता है पित्त बढ़ना, यानी कि पित्त अगर बढ़ गया है, शरीर में गर्मी बढ़ गई है, तो पेशाब में जलन होगी, ये बोलता हूँ ये आपके पूरे शरीर को ठंडा रखता है लौकी का जूस, इससे पेशाब में भी जलन खत्म होगी, यूटीआई इन्फेक्शन को भी ठीक करने का दम रखता है ये लौकी का जूस। बस बीच में तुलसी के पत्ते और काली मिर्च डालो। और अगर दवाई आप लोग लेना चाहें तो गोक्षुरादी गुगुल आप लोग टेबलेट्स दे सकते हैं, एक एक गोली सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ। ये पुरुष भाइयों की मैं बात कर रहा हूँ। तो सारी समस्याएं मैंने आप पुरुष भाइयों को बता दी, माताओं बहनों को बता दी, क्या इलाज करना है वो भी बता दिया। अगर आपको लगता है कि हाँ और कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहां पर जाकर आप लोग मैसेज करिए बेफिक्र, बिना किसी झिझक के शर्म के आप लोग मैसेज करिए, मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, माताएं बहनें हों चाहे मेरे भाई पुरुष हों, मैं आपके छोटे भाई की तरह हूँ। आप लोग बेझिझक 24 घंटे हफ्ते के सातों के सातों दिन आप लोग जब मर्जी मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो पेशाब से जुड़ी समस्याओं से घबराने की बिल्कुल भी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आप माताएँ बहनें और भाई भूल जाते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।